हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों रियली बोल रहा हूँ, वर्कर के लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के लिए परेशान रहते थे और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये सिस्टम पता नहीं था। लेकिन आखिरकार दोस्तों मिनिस्ट्री से सवाल किया गया, मोहरे से सवाल किया गया, तो उसमें एक आर्टिकल में क्लियरली बताया गया है जो वर्कर को राइट मिलना चाहिए उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तो देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता, कोई भी न्यूज़ आता, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो आपको पता है कि मान लिया आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, अदर कंपनी में जाते हो, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगती है। ऐसा नहीं आप बोलो कि नहीं मेरे पासपोर्ट पर तो मुहर है, या मेरा पासपोर्ट पे आप देख लो कि मैं कितना साल इस कंट्री में काम किया हो, बट आप उसके अलावा दोस्तों आप क्या कर रही है, बहुत सारे कंपनियां जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगती है कि किस कंपनी, मान लिया आप यूए के किसी भी कंपनी में 2 साल काम किए हो, तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किधर है? 5 साल किए हो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, वो चले जाते हैं इंडिया, बाद में जब किसी भी कंपनी में जॉब लगता है तो वो लोग पूछते हैं, फिर आप बोलते हो कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो लाजिम दोस्तों हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री से सवाल किया और पूछा कि क्या मैं, अगर मान ली कोई कंपनी मुझे निकाल रही है या किसी कारणवश आपका और कंपनी के बीच लफड़ा हो जाता है, कुछ मसला हो जाता है, क्योंकि कंपनी के में कितना भी अच्छे से काम कर लो, लास्ट में जाने के बाद दोस्तों आखिर में जब जाओगे तो आपके साथ खटास हो ही जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑनर ये नहीं चाहता है कि मेरे पास से अगर काम है उसके पास तो मेरा वर्कर मेरे पास से जाए, तो आपके साथ बुराई होना ही होना है। तो उसमें पाया गया है दोस्तों कि आप लाजिम अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के हकदार हैं। अगर कंपनी नहीं दे रही, आप बोले कि मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आप काम किए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल और कंपनी नहीं दे रही है दोस्तों, तो उस कंपनी के खिलाफ अगर आप कंप्लेन करते हो मोहरे में, तो उस कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है। तो लाजिम दोस्तों अगर आप यहां से कैंसिल जा रहे हो, या आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छुट्टी जाकर वापस नहीं आते, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब आप कैंसिल जाओगे उस टाइम दोस्तों लाजिम आप यहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपनी से लेकर जाए। जो नहीं देगा दोस्तों आप लाजिम कंप्लेन करो, उसके खिलाफ उस कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये अच्छा अपडेट था दोस्तों, गवर्नमेंट क्या करती है वर्करों का जो राइट है उसके बारे में खलीफ टाइम्स में गल्फ न्यूज़ में बताते रहती है, ताकि उसका हक है उसे जो मिल सके। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।